हेलो नर्स, स्वागत है आपका भी इलेक्ट्रिक फाइटर में। जो हमारा कोर्स चल रहा है सोलर एनर्जी एंड पीवी प्लांट डिज़ाइनिंग का, उसके हम एकदम लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जहां से हम शुरू करेंगे सोलर प्लांट डिज़ाइनिंग का। पीवी प्लांट की डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, तो ये पीवी प्लांट डिज़ाइनिंग का पहला पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम साइट सर्वे किस तरह से करना है, साइट पर मैपिंग कैसे करना है, साइट का जो आपने जो मेजरमेंट लिया उसको स्केच डायग्राम से कैसे दर्शाना है, किस तरह से आपको शेड जो लेंथ जिसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से शेडिंग जो आ रही है उसका कैलकुलेशन कितना करना है, कौन सा कितना आपका जो एरिया रहेगा जिसमें आप अपना सोलर मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस सोलर मॉड्यूल किस किस कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगाना है और उससे कितना पावर जनरेट होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इन सब के बारे में हम इस जो क्लास है इस क्लास में हम देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मैं अपना जो साइट है, साइट पर जाने से पहले आपको जो बातों का ध्यान रखना है वो बातें बता देता हूँ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो जो आप मैप बनाओगे, जो भी आप साइट पर गए हो, जो रूफटॉप साइट है, जो भी वाली आपकी साइट है, उसके लिए आपको वहाँ का जो मैप है वो इसके जो हमारा जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रखना है, नॉर्थ आपके फ्रंट में होना चाहिए और उसी तरह से आप उसका मैपिंग करोगे। तो मान लीजिए आप एक साइट पर गए हो और वहाँ पर आपने वहाँ का जाके मेजरमेंट लिया साइट का और वहाँ पे एक नॉर्मल सा उसका स्केच बना दिया आपकी साइट का, इस तरह से आपका साइट है। या आपने एक स्केच बना दिया है और उसकी जो लंबाई थी वो थी आपकी 15 मीटर, आपने वहाँ पे साइट पे जाके मेजरमेंट किया और उसकी जो चौड़ाई थी वो थी उसकी 10 मीटर। और ये मान लीजिए कोई एक रूफटॉप प्रोजेक्ट था, ये आपने रूफटॉप प्रोजेक्ट जो था आपका उसकी है, ताकि आपको समझने में आसान रहेगा, ठीक है। ये आप उसकी साइड की आपकी ये मेजरमेंट आई और वहाँ पे एक कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब कि इस जगह पे एक जो आपकी स्टेयरकेस थी, स्टेयरकेस का रूम बना हुआ है और उसकी जो मेजरमेंट थे वो थी 3 मीटर बाय 3 मीटर। तो ये उसके मेजरमेंट है। और जो आपकी जो रूफ थी उसकी जो चारों तरफ जो पैरापेट वाल थी, पैरापेट वाल की जो हाइट थी PH जिसको मैं लिख लेता हूँ वो थी आपकी 1 मीटर, ठीक है। और आपका जो स्टेयरकेस जो था उसकी जो हाइट थी वो थी आपकी 3 मीटर। ये आपने साइड से कुछ मेजरमेंट लिए और बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं था, बाकी पूरी आपकी जो रूफ थी वो प्लेन थी। और आपको यहाँ पे ये सोलर प्लांट का डिज़ाइनिंग करना है। अभी हम बात कर रहे हैं, आपने वहाँ से पूरा मेजरमेंट ले लिया, ये सारी चीज़ें ले ली, तो अभी क्या करना है आपको? अभी ये करना है कि आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी वो है कि आपका जो शेड लेंथ है। देखिए क्या होगा कि शेड तो पड़ेगी क्योंकि एक तो पैरापेट वाल है, पैरापेट वाल की शेड पड़ेगी आपके सोलर जो मॉड्यूल रहेंगे, और एक जो ये रूम बना हुआ है स्टेयरकेस का रूम उसकी शेड पड़ेगी। अब ये जो शेड आएगी उसकी लंबाई कितनी होगी वो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया है कि जो शेड लेंथ होती है वो होती है आपकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट और जो आपका मॉड्यूल जहाँ पर आप जिस जगह पर माउंट कर रहे हो उन दोनों के बीच में कितना हाइट डिफरेंस है वो रहेगी आपकी शेड लेंथ। जो भी हाइट डिफरेंस रहेगा उसका 3 गुना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3x ऑफ हाइट डिफरेंस, ठीक है। ये रहेगी आपकी टोटल शेड लेंथ। तो मान लीजिए आप वहाँ पे जो सोलर प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे जो आपको मॉड्यूल का हाइट रहेगा, तो मॉड्यूल का हाइट आपने रख दिया है, मॉड्यूल का हाइट आपने रख दिया है 0.5 मीटर, ठीक है। अगर आप पैरापेट वाल की शेडिंग से बचाना चाहते हो तो आप अपने मॉड्यूल का हाइट 1 मीटर भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा शेडिंग का क्लियर कराने की वजह से आपको इसलिए मैंने अपने मॉड्यूल का हाइट थोड़ा कम लिया है, ताकि आपका जो शेडिंग एनालिसिस जो रहेगा वो आप मैं आपसे आपको यहाँ से पूरा समझा सकूँगी किस तरह से उसका शेड आएगा और कितना आपको दूरी से आपको जो अपना मॉड्यूल है उसको फिक्स करना है। तो ये आपका मॉड्यूल का हाइट दिया जाएगा, आपने 0.5 मीटर का आपने अपना मॉड्यूल लगा दिया। अब हम जो आपने जो मेज़रमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग अब हम ये मेज़रमेंट लेते हैं कि आप कितने कितने एरिया में आप अपना लगा सकते हो ताकि आपका जो प्लांट है उसके ऊपर कोई शेड्स ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और दूसरा डायग्राम बनाता हूँ
इसी रूफ का तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब वो इस तरह से क्यों बनेगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, पहले मेरे को बनाने दीजिए। ये मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरह। देखिए ये जो रूम है तो ये रूम हमें बाहर निकालना पड़ेगा, इस रूम के ऊपर तो हम लगा नहीं पाएंगे, ये रूम पे हमें लगाना नहीं, हमें सिर्फ ये रूफ़ एरिया ही यूज़ करना है। रूम पे भी हम लगा सकते हैं लेकिन रूम पे अगर हम लगाएंगे तो उसका और हाइट और बढ़ जाएगा, उसकी वजह से और शेड और ज़्यादा दूर तक आएगा, प्लस उसके ऊपर एरिया भी कम है, उसके ऊपर हमें लगाने का कॉस्टिंग वगैरह सब ज़्यादा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो नीचे नीचे जो रूफ़ एरिया है उसी के ऊपर हम हमारा इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से हमारा ये रहेगा इसका दूरी। अब क्या है कि देखिए दूसरी चीज़ आपका ये है कि जो भी आप जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करते हो तो वहाँ पे जो पैरापिट वाल है वहाँ से और आपका जो सोलर मॉड्यूल आप लगा रहे हो उसके बीच में एक सेटबैक दूरी रखना होता है, उसको हम बोलते हैं सेटबैक, ताकि जब भी आपको कोई मेंटेनेंस का काम हो या कुछ हो तो आप उसको आसानी से कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए। उसकी वजह से क्या रहेगा, जो आपका जो जिस जगह पर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो पूरा एरिया आपका रहेगा उसके अंदर, मतलब कि आप सिर्फ इसी एरिया में आपका जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये आप दूरी, उसने बोला कि आप 1 मीटर दूरी रखें पैरापेट वाल से, और जो भी आपके चारों तरफ जो भी वाल, जैसे ये स्टेयरकेस के रूम के वाल है वहाँ से भी आप 1 मीटर दूरी रखें, तो ये मिनिमम एक दूरी रखनी। उसके बाद जो आपका शेड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दूरी और कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपने ये दूरी 1 मीटर और कम कर ली तो आपकी जो ये वाली लेंथ रहेगी उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो लेंथ कितनी रहेगी। देखिए ये लेंथ जो रहेगी, देखिए एक तो आपका जो रूफ एरिया है वो 10 मीटर का है, ठीक है, उसके बाद इधर का 1 मीटर आपने ऐड कर दिया तो 10 मीटर माइनस 1 मीटर आपने इधर का सेट बैक माइनस कर दिया, क्योंकि आपका जो सन रहेगा वो इस तरह से ऐसे जाएगा, मतलब कि जो नॉर्थ साइड में रहेगा वहाँ से इस वाल का शेड तो इस पर आएगा नहीं, क्योंकि इस ये वाली जो वाल रहेगी उसका शेड उस तरफ जाएगा, क्योंकि शेड क्या रहेगा, शेड जो रहेगा आपका वो वेस्ट से होते हुए नॉर्थ से होते हुए ईस्ट में आएगा, शेड आपका जो साउथ साइड में वहाँ पर नहीं आएगा। तो जो भी आपका जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो आपके नॉर्थ साइड में तो उसका शेड जो जाएगा वो नॉर्थ साइड में ही जाएगा, उसका आपको ध्यान रखना। तो ये वाली जो वाल रहेगी उसका शेड इस तरफ आएगा नहीं, तो ये वाला जो आपका दूरी रहेगा वो रहेगा 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद यहाँ पे ये दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी आपको कितनी रखनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपका जो ये हाइट है, आपका मॉड्यूल का हाइट है 0.5 मीटर और आपकी जो पैरापेट वाल का हाइट है वो है 1 मीटर, मतलब कि आपकी जो पैरापेट वाल है उसकी वजह से जो शेड आएगा उसकी दूरी कितनी रहेगी, 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर, तो आपकी जो हाइट डिफरेंस रह गया, हाइट डिफरेंस आपका कितना आ गया 0.5। अब आप बात करें कि उसकी शेड लेंथ कितनी रहेगी, तो शेड लेंथ रहेगी इक्वल टू 3 × 0.5, यानी कि आपकी शेड लेंथ रह जाएगी 1.5 मीटर, मतलब कि ये वाले जो वाल है इसकी वजह से जो आपका शेड आएगा वो आएगा 1.5 मीटर का, ठीक है। तो ये आपने 1.5 मीटर इसमें से और माइनस कर लिया तो आपकी जो ये दूरी आएगी, ये वाली जो दूरी जिसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगी ये आएगी आपकी 12.5 मीटर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.5, ठीक है। अभी आपने ये कैलकुलेट कर दिया, अब हम कैलकुलेट करते हैं ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। सेम चीज़ है, ये जो पैरापेट वाल है, पैरापेट वाल का जो शेड होगा जब सन यहाँ पे वेस्ट की साइड में जाएगा, इस जगह पर रहेगा, तो उसकी जो शेड आएगी वो इसके ऊपर आएगी, तो ये जो दूरी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर नहीं है, ये जो वाल है इसकी हाइट है 1 मीटर, और इसकी वजह से जो आएगा आपका जो शेड आएगा वो रहेगा आपका 1.5 मीटर, क्योंकि मैंने आपको ये वाल का जो रहेगा शेड वो चारों जगह सब जगह पे सेम रहेगा, तो ये 1 मीटर रह जाएगा। तो इसको निकालने के लिए करेंगे हम 15 मीटर माइनस 1.5 मीटर आपकी इसकी जो शेड वो रहेगी लेंथ, प्लस इधर इस वाली वाल से भी शेड इधर आएगा तो उसकी जो लेंथ रहेगी वो भी 1.5 मीटर आपने ले लिया, तो टोटल हो गया है आपका 12 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ रहेगी आपकी ये रहेगी आपकी 12 मीटर,
ठीक है, ये दो दूरी आ गई आपके पास। अब बात करते हैं हम ये वाली दूरी कितनी रहेगी। अब ये दूरी निकालने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इधर वाला और इधर वाला ये। तो आपका क्या रहेगा, आपकी जो ये 10 मीटर है, 10 मीटर में से आपने ये 3 मीटर जो है आपका ये पहले ही माइनस कर दिया आपने, ठीक है। प्लस आपको सेट बैक रखना यहाँ से यहाँ तक, ये जो वाल है यहाँ से यहाँ तक का सेट बैक रखना आपको 1 मीटर, ये 1 मीटर आपने और माइनस कर दिया। फिर ये दूरी तो आपको निकालनी, और ये जो दूरी रहेगी ये आपको रखनी पड़ेगी 1.5, क्योंकि इसकी वजह से जो शेड आएगा उसकी लेंथ रहेगी 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हम इधर सेट बैक क्यों नहीं रख रहे, इधर सेट बैक हमारा ऑटोमेटिक ही आ रहा है, क्योंकि हमें सेट बैक रखना था मिनिमम 1 मीटर, जो सेट बैक हमें रखना था वो 1 मीटर रखना था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेट बैक है वो ऑटोमेटिकली 1.5 मीटर आ रहा है, क्योंकि हम उधर शेड के हिसाब से लेंथ, शेड की लेंथ मेजर करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो 1.5, ये बोल रहा है कि 1.5 दूरी रखिए, तो हमारा सेट बैक वहाँ से माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें अपना आप ही हमें अपना सेट बैक मिल गया है, मिनिमम 1 मीटर से ज़्यादा ही मिल रहा है हमें दूरी, तो ये 1.5 मीटर। तो यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 माइनस 1.5, इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.5 मीटर। तो ये जो दूरी रह गया ये 9.5 मीटर रहेगा, ठीक है। और ये 9.5 मीटर रहेगा तो ये जो दूरी रहेगा वो कितना रहेगा, ये दूरी आ जाएगा 12.5 माइनस 9.5 इक्वल टू 3 मीटर। एंड आपको जो अब ये बचा है सिर्फ ये दूरी निकालना, तो ये दूरी कितना रहेगा, ये दूरी रहेगा देखिए जो भी आपका 15 मीटर है, 15 मीटर माइनस जो आपका ये 3 मीटर इसका है, ये 3 मीटर आपने माइनस किया, फिर सॉरी अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ यही वाली दूरी, आपने 15 मीटर माइनस ये 3 मीटर माइनस कर दिया, माइनस अब इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, और आपके जो मॉड्यूल की हाइट है वो 0.5 मीटर, तो यहाँ पे जो हाइट डिफरेंस रह गया वो 2.5 मीटर रह गया। अब ये 2.5 मीटर इसकी जो शेड आएगी वो 2.5 मीटर इंटू 3 आएगी, मतलब इसकी शेड आएगी लगभग 7.5 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ से 7.5 मीटर और माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 7.5 मीटर माइनस, इधर आपको सेट बैक रखना है, इधर सेट बैक क्या रखना, इधर था आपका और ये भी आ गया, इसकी जो शेड लेंथ रहेगी वो 1.5 मीटर रहेगी, तो ये और माइनस कर दिया आपने, तो ये आ गया आपका 12, ये हो गया 9, ये आएगा सिर्फ आपका 3 मीटर। तो ये जो दूरी रहेगी आपकी 3 मीटर रहेगी, और ये जो दूरी रहेगी ये कितनी रहेगी आपकी, 12 माइनस 3 9 मीटर। तो ये पूरा जो एरिया है आप इसको पूरा देख सकते हो कि आप इसके अंदर पूरा लगा सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये है इसको मैं इसके अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके इसी को मैं वापस जो ड्राइंग है इसी को मैं बना लेता हूँ कि मेरे को ये चाहिए। तो इसी को बनाने के लिए मैं वापस से फोन लेता हूँ, जो मेरा एरिया जिसके ऊपर मेरा अपना रूफटॉप जो अपने सोलर पैनल है वो लगा पाऊँगा। ये 12 मीटर है, ये 12.5 मीटर है, ये आपका 9.5 मीटर है, ये आपका 9 मीटर है, और ये आपका जो है ये आपका है 3 मीटर, और ये जो आपका निकला था ये निकला था आपका 3 मीटर निकला था, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया। अब हम बात करते हैं, अभी हमने हमारा जो एग्जैक्ट एरिया जो था हमारे रूफ का वो एग्जैक्ट एरिया में मिल गया कि आपको इस एरिया के अंदर ही सोलर आपका पैनल मॉड्यूल फिक्स करना है। अब जो मॉड्यूल है उसको हम दो तरह से फिट कर सकते हैं, एक तो होता है उसका पोर्ट्रेट मोड जिसमें वो इस तरह से लगता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोर्ट्रेट मोड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके फ़ोन में भी आता होगा कि पोर्ट्रेट मोड, और एक होता है लैंडस्केप मोड जिसमें हम इस तरह से लगाते हैं इसको,
इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड कॉन्फ़िगरेशन। ये दो तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम क्या है कि हमें कोई भी एक सोलर मॉड्यूल जो रहेगा, जो पैनल जो रहेगा, सोलर पैनल रहेगा, उसकी हमें डायमेंशन चाहिए कि उसकी डायमेंशन क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका ये कितना। तो उसके लिए हमें कोई एक सोलर मॉड्यूल जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक फ़ाइल पहले से डाउनलोड करके रख रखी है, तो उस फाइल पर चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये टॉलमैक्स का जो टीना का जो सोलर मॉड्यूल आता है उसका मैंने ले लिया है फ़ोटो, और उसका जो है हम जो डायमेंशन है मैकेनिकल डेटा है वो ले लेते हैं। यहाँ पे सोलर इसकी डायमेंशन आ गई है 2015 × 996, ठीक है। ये मॉड्यूल हमने ले लिया है, इसकी पूरी की पूरी जो रेटिंग है ये 395 से 420 वाट के बीच का है। तो ये जो है इसका जो मॉड्यूल है ये हमने ले लिया, तो इसकी जो डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है, ये डायमेंशन इसकी 2015 × 996 × 35। तो 2015 × 996 हम ले लेते हैं। तो अभी हम वापस वहाँ पे चलते हैं कि हमारा जो ये डायमेंशन है वो क्या है। तो चलिए उस पर चलते हैं वापस हमारे पास। तो 2035 × क्या क्या था जो मॉड्यूल की डायमेंशन थी वो थी हमारी 2015 × 996, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो हमारी मॉड्यूल की डायमेंशन थी वो थी 2015 × 996, ये हमारे मॉड्यूल की लेंथ है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लगा पाएंगे कि हमारा किस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है उसको हम किस तरह से लगा सकते हैं। दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया, एक रहेगा पोर्ट्रेट मोड कॉन्फ़िगरेशन, एक रहेगा लैंडस्केप मोड कॉन्फ़िगरेशन। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको लगा सकते हैं। अभी आपके पास पूरे रूफ का डायमेंशन आ गया है कि किस किस एरिया में आप इसको आपके सोलर मॉड्यूल को फिट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम इसमें फिट कर पाएंगे। तो चेक करते हैं कितने मॉड्यूल। तो ये है आपका 12 मीटर। तो ये 12 मीटर में सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने लैंडस्केप मोड का। लैंडस्केप में कितना हम लगा पाएंगे, जैसे इसमें, तो इसमें क्या लगा पाएंगे हम, इस तरह से रहेगा आपका 2015 और यहाँ पर रहेगा आपका 996। ये mm के अंदर है और आपकी जो यहाँ पे ये है आपका मीटर के अंदर। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप mm को मीटर में चेंज कर दीजिए या फिर मीटर को mm में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये mm है mm को मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा अपना 2.015 × 0.996 meters, ठीक है। इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा अपना। तो यहाँ पे अगर लैंडस्केप मोड में लगाए तो हम वहाँ लगाएंगे इस तरह से लगेगा अपना पैनल, ठीक है। ये अपना लैंडस्केप मोड में इस तरह से लगेगा। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ऐसे आएंगे, फिर ये आपका बन जाएगा, एक रो बन जाएगा, फिर दूसरी रो में टोटल, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, फिर इस रो में ये वाले जहाँ पे जो रो बनेगी इसमें ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे कम आएंगे, यहाँ पे कितने नंबर मॉड्यूल और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बाय कितने के बनेंगे वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ, नीचे से। नीचे हमारा एरिया है 12 मीटर, तो मैं क्या करूँगा 12 मीटर को डिवाइड करूँगा अपने 2.015 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.95 आ गया। लेकिन 5.95 आ गया मतलब अब इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल लगा पाएंगे वो सिर्फ 5 ही लगा पाएंगे, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो 77 मॉड्यूल अगर लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉड्यूल हो गए हमारे पास हो गए 5।
फिर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फाइव नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया हमारे पास 9.5। तो अभी हम इस साइड से बात करते हैं कि इस एरिया में कितना आएगा, सिर्फ हम नीचे वाले एरिया करेंगे फिर ऊपर वाले एरिया का एक बना लेंगे। तो ये आ गया अपने पास 5, ठीक है। और आपकी जो सेकंड वाला जो है, जो आपके नंबर ऑफ रोज कितनी आएगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे 9.5 है इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे 0.096, क्योंकि ये दूरी है ना, ये माइनस ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.996। तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 9 कुछ आएगा, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 9.5 अपॉन 0.996, तो ये आ गया आपके पास 9.53। और इसमें से भी आप सिर्फ 9 ही लगा पाओगे क्योंकि ये वाला नहीं लगा पाओगे। तो ये आपके पास इधर आ गए, जो आपके आ गए 5 रो के अंदर, और ये 9 कॉलम, 9 जो आएगी आपकी रो हो जाएगी। तो ये इसको आप कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका 5 × 9, मतलब कि एक रो के अंदर 5 रहेंगे और एक रो के अंदर 5 वो रहेंगे और टोटल 9 नंबर ऑफ रो रहेगी, ठीक है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गया एक इसका। अब हम बात करते हैं इस एरिया में कितना आएगा। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये एरिया है आपका 3 मीटर सिर्फ ऊपर है, 3 मीटर में अगर 2.015 को, तो सीधा सीधा यहाँ पे एक ही पैनल आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही पैनल आ पाएगा, और ऐसे हम बात करें तो ऐसे में आपके आ जाएंगे 3 पैनल, तो ऐसे में आपके आ जाएंगे 3 पैनल। तो ये भी 3 मीटर बाय 0.996 करें तो हमारा क्या आ जाएगा 3/0, तो ये आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। तो इसमें आप 3 पैनल लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो ऊपर वाला जो एरिया है उसमें आ जाएंगे आपके 1/3। टोटल इतने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप इस कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 45 + 3, मतलब कि आप 48 नंबर ऑफ मॉड्यूल इसमें लगा लेंगे इसके अंदर। अब वैसे ही आपको जो है ये लैंडस्केप का मैंने यूज़ कर लिया है कि लैंडस्केप में कितना लगा पाऊंगा। अभी आप आपको अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो आप इसका पोर्ट्रेट मोड में कैलकुलेट करके मेरे को बताइए, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पोर्ट्रेट मोड में कितने जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आएंगे, ठीक है। अभी मैंने लैंडस्केप मोड में निकाल दिया है, तो मैं लैंडस्केप मोड को ही लेके चलूँगा आगे, कि लैंडस्केप मोड का इसी के अकॉर्डिंग हम आगे का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इन्वर्टर डिज़ाइनिंग का, इन्वर्टर कैलकुलेशन, इन्वर्टर साइजिंग का, कि कौन से साइज़ का इन्वर्टर हमें लगाना है, कितने किलोवाट का लगाना, तो उसका हम इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अभी मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ तक अपना पूरा क्लियर कर दिया है कि मेरा किस तरह से रहेगा। तो अभी मैं बात करता हूँ कि मैं किस साइज़ का मॉड्यूल ले रहा हूँ। देखिए, मेरे को इस साइज़ के अंदर मेरे पास जो है वो अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, कि अलग अलग तरह के मिल रहे हैं मेरे को इसके अंदर, कि किस किस तरह का रहेगा। तो इसमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, इसमें से मैंने एक ऐसा पैनल सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें से पैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ 400 वाट का, ताकि 400 वाट का इसलिए कर लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन भी आसान रहे। तो मैंने जो है ये 400 वाट वाला सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, 400 वाट वाला ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रहेगा हम पूरा यूज़ करेंगे जो भी डेटा रहेगा। अभी हमने 400 वाट का जो सेलेक्ट कर दिया है, तो अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आ गए हमारे पास 48। तो अगर हम बात करें कि 48 के हिसाब से 48 × जो टोटल एक पैनल कितना है 400 वाट निकाला, तो 48 × 400 वाट टोटल हमारा जो पावर जनरेशन रहेगा 48 × 400 वाट रहेगा। तो टोटल पावर जनरेशन कितना रहेगा आपका, टोटल पावर जनरेशन आपका बन जाएगा, एक मिनट मेरे को कैलकुलेटर निकालने दीजिए, तो 400 × 48 इक्वल टू आ जाएगा 19,200 वाट पीक, क्योंकि ये पीक है, जो सोलर मॉड्यूल का जो पावर रेटिंग जो रहता है वो वाट पीक में आता है, मतलब कि वो मैक्सिमम जो वोल्टेज पावर निकलेगा वो इतना निकलेगा। तो जो अपना जो जनरेशन होगा सोलर पावर का जनरेशन, वो हो जाएगा अपने जो अपने रूफटॉप जो डिज़ाइन किया लैंडस्केप मोड में, वो हो जाएगा अगर हम किलो वाट में देते हैं तो 19.2 किलो
वाट पिक, ये आपका उसका जनरेशन आ गया। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको इसका जो है जो एरिया जिसका साइट का सर्वे करना, किस तरह से उसका मैपिंग करना, फिर अपना जो आपका जो पैनल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रखना, लैंडस्केप में रखना, पोर्ट्रेट में रखना, आप दोनों में आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किस में आपका मैक्सिमम जनरेशन हो रहा। हो सकता है कि अगर हम उसको पोर्ट्रेट मोड में लगाए, पोर्ट्रेट मोड में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो ज़्यादा लगे, तो वो भी आपको उस टाइम कैलकुलेट करना। अभी हम टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक को ही लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें पोर्ट्रेट मोड में शायद 52-53 मॉड्यूल्स लग रहे हैं, तो वहाँ से आपका जनरेशन ज़्यादा होगा, तो आपको वो सेलेक्ट करना कि किस कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आपका मैक्सिमम जनरेशन हो रहा है, उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम सिर्फ लैंडस्केप को लेके चलें, तो यहाँ ये क्लास अभी हम यहीं पे क्लियर करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा देखेंगे कि जो है सोलर पैनल को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कितने लगाना है, पैरेलल में कितने लगाना है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी रखनी है, इन्वर्टर का सिलेक्शन कैसे करना, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लस हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका ये पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे कि जो ये रहता है आपका सोलर मॉड्यूल का जो डेटा शीट रहता है उसको किस तरह से पढ़ना है, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।